हेलो गाइस, दिस इज़ विंडिला. वेलकम टू एग्जाम टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट कैटेगरीज ऑफ द साउंड. ओके, तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं कुछ डेफिनेशन डिफाइन किया और अगर उस डेफिनेशन के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कैटेगरीज ऑफ साउंड पढ़ने से प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा शायद किसी बात. ओके, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है. ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ साउंड, व्हाट इज़ द साउंड. कैटेगरीज ऑफ साउंड पढ़ने से पहले मैं साउंड के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि साउंड एक्चुअली क्या है. द साउंड दैट वी हेयर अराउंड अस, आपको विजिबल है ना. हाँ, द साउंड दैट वी हेयर अराउंड अस is the type of energy made by the vibration that travels through the ear or any other medium and can be heard when it reaches a person's ear. इसका मतलब क्या है? So हम बोल सकते हैं, so basically sound help us to communicate with the other person. For an example, we can hear the musical instrument like tabla, flute or guitar due to vibrations. Okay? तो साउंड क्या है? साउंड हम सुन सकते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो हम सुन सकते हैं, जो एक एनर्जी टाइप का है और जो जिसका वाइब्रेशन ट्रैवल करता है थ्रू द ईयर और एनी मीडिया. ठीक है, जिसको हम सुन सकते हैं, जो हमारी कान तक आता है उसको हम साउंड बोलेंगे. तो साउंड बेसिकली क्या होता है? साउंड एक कम्युनिकेट है. मैंने उसको कॉल किया कि ये तुम इधर आओ. ये क्या किया मैंने एक बात बोला, एक बात मतलब एक साउंड जैसा. मैंने उसको बोला कि ये तुम इधर आओ. ये मेरा जो बात है, ये बात उसके कान तक गया. देन वो क्या किया? वो मेरे पास आया और कम्युनिकेट किया. इसका मतलब क्या है? साउंड इज बेसिकली अ कम्युनिकेट विद अदर पर्सन. ओके, सो क्लियर हुआ कि साउंड क्या है? अच्छा, एक ड्राइंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये जो ड्राइंग है, ये कैटेगरीज ऑफ द साउंड वेव है. हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैं आपके सामने लिखना चाहती हूँ. ये जो ड्राइंग है, ये कैटेगरीज ऑफ साउंड वेव की ड्राइंग है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव. ओके, अच्छा, ये जो है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये जो है, ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ. ठीक है, ओके. अच्छा, ये जो है, ये साइकिल हो रहा है, यहाँ पर साइकिल हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइकिल. ठीक है ना? अच्छा, टाइम फॉर वन साइकिल, टाइम फॉर वन साइकिल. ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस अलोंग वेव. ठीक है ना? इतने तक क्लियर हुआ आपको? तो ये जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव. ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? मेरा जो मेन चीज है उसके बारे में आप पढ़ेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड आर एज फॉलोज. व्हाट साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का. ठीक है, तो सबसे पहले पिच आता है, तो पिच के बारे में हम पढ़ेंगे. विजिबल है? अच्छा, हाँ है. सो पीच क्या है? पीच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच अ कॉर्डेड नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट. ओके,
तो पीच क्या है? पीच एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर बोलते हैं कि अब साउंड बाई विच अ करेक्टर करेक्ट नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट। ठीक है, नोट क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो एक करेंट नोट कैन भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, एक फ्लैट नोट और ग्रेव नोट को। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पीच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ऑफ विच अ करेक्ट नोट कैन बी डिस्टिंग्विशेबल। मतलब ये पीच जो करता है, पीच नोट को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होता है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो पीच जो है, पीच हमने क्या डिफाइन किया अभी तक? पीच को हमने डिफाइन किया कि पीच जो है वो नोट को डिस्टिंग्विजिबल करने के लिए मेनली होता है। और वी कैन आइडेंटिफाई अ फीमेल एंड मेल वॉइस विदाउट सीइंग देम। द टर्म पीच इज ऑफन यूज इन म्यूजिक। मतलब एक साउंड, जो साउंड एक लड़की का है और एक लड़के का है, ये जो डिफरेंट करता है, ये कौन करता है? एक पीच करता है। ठीक है, पीच बोल देता है कि ये फीमेल वॉइस है, ये मेल वॉइस है, पीच बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पीच जो है ये डिपेंड करता है साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स अ नोट हैज हायर पीच व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई एंड नोट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हैज लो पीच। ओके, तो पीच क्या करता है, पीच फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंस साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाई पिच है तो इसका मतलब मेरा जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव का वो हाई है। अगर लो पिच है तो उसका मतलब मेरा जो नोट है, मतलब नोट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हैज लो पिच, मतलब मेरा जो फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो पिच भी लो होगा। ओके, तो ऐसी रिलेशन है दोनों का कि पिच मेनली डिपेंडेंट ऑन द सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अगर पिच लो है तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी भी लो ही होगा, अगर पिच हाई है तो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगा। ओके, इस तक क्लियर हुआ आपको? ये जो है ये एक ड्राइंग है पिच का। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, आपके सामने लिखूंगी मैं। अच्छा, मैं ब्लैक से लिखती हूँ। अच्छा, ये जो है ये लाइन, इसको हम वेव डिस्टेंस बोलेंगे। वेव डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम वेव डिस्टेंस बोलेंगे। ये जो लाइन गया ये वेव डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गया ये बड़ा सा, ये क्या है? ये लो पिच है, लो पिच। और ये क्या है? ये हाई पिच है। ठीक है ना? हाँ, ये पिच की ड्राइंग है, मेरी नोट में आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। मैं ये जो ये गया ग्रीन का, ये लो पिच है और रेड का हाई पिच। ठीक है, तो लो पिच में लो फ्रीक्वेंसी रहेगा, इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है ग्रीन का, और इस रेड से जो वेव फॉर्म गया इसका हाई पिच, तो इसका हाई फ्रीक्वेंसी है। ओके, इससे क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है कि इन द केस ऑफ बेबी द पीच इज हायर देन द पीच ऑफ मैन। ठीक है, तो बेबी का जो पीच होता है ना वो हायर होता है एक पीच ऑफ मैन का, मतलब एक पीपल का जो पीच होता है, बड़ा लोग का जो पीच होता है, उससे एक बेबी का जो पीच होता है वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, द साउंड विथ हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? श्रिल। ठीक है, तो द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज श्रिल। इस तक क्लियर हुआ ना?
हमने जो मेरा जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड है उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ तो उसको हम श्रिल बोलते हैं, ठीक है। इस तक क्लियर हुआ? अब दूसरी कैटेगरीज में जाएंगे हम, वो है लाउडनेस। ओके, तो सेकंड कैटेगरीज है लाउडनेस। लाउडनेस इज द साइकोलॉजिकल सेंसेशन, मतलब क्या है, ये एक ऐसी सेंस है, मतलब एक गाना जोर से बज रहा है, हम उसको सेंस करके बोल सकते हैं गाना स्लो करो, मेरी कान में बहुत आवाज़ आ रहा है, सेंस करके बोलते हैं ना, ये एक गाना बहुत सुंदर है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो स्लो से बज रहा है, गाना ज़्यादा ज़्यादा जोर से दो, जोर से। ये कैसे बताया उसको, कैसे बताए, एक सेंस करके बताए कि ये जो गाना है बहुत स्लो से चल रहा है, इसको उसका वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा दो, ये मैंने सेंस करके बताया। और जो गाना है बहुत ज़ोर से, कान में बहुत दर्द हो रहा है उस गाने की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं, एक सेंस करते हैं कि गाना ज़ोर से बज रहा है, मेरी कान में लग रहा है, तो उसको बोलना चाहिए कि गाना ज़रा स्लो करो, मैं बिजी हूँ। ओके, तो ये जो है ये एक साइकोलॉजिकल सेंसेशंस है। ओके, क्लियर हुआ आप इस तक? तो इट डिपेंड्स ऑन द साउंड प्रेशर बट ऑल्सो ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हारमोनिक्स एंड द फिजिकल ड्यूरेशन। ओके, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साउंड प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑल्सो ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हारमोनिक्स, स्पेक्ट्रम ऑफ द हारमोनिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड द फिजिकल ड्यूरेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन टाइप की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक साउंड प्रेशर, स्पेक्ट्रम ऑफ द हारमोनिक्स एंड द फिजिकल ड्यूरेशन। इस तक क्लियर हुआ ना? अच्छा, इट इज़ अ डिमेंशनलेस क्वालिटी, इसको हम डिमेंशनलेस क्वालिटी बोलते हैं लाउडनेस को, हाँ, क्योंकि ये डिमेंशनलेस है इसका क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस इज मेजर्ड बाय द डेसिबल, इन डेसिबल, ओके, डीबी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू लॉग आई, ओके, आई इज द इंटेंसिटी, आई क्या है, आई इज द इंटेंसिटी, ओके, क्लियर हुआ ना? ये एक फॉर्मूला है, तो इसको लाउडनेस मेजरमेंट करते हैं हम डेसिबल से डीबी, एंड इसका एक फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू लॉग आई एंड आई इज इंटेंसिटी। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इट विल बी लाउडर वेन एम्पलीट्यूड इज हाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस, एक साउंड प्रेशर, एक हारमोनिक्स स्पेक्ट्रम ऑफ द हारमोनिक्स, एक फिजिकल ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड जब बढ़ जाता है, मतलब जब एक साउंड बहुत ही लाउडेड होते हैं, बहुत ही लाउडर होता है, तब उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है, ठीक है। तो loudness is a sensation of how strong a sound wave is at a place. It always a relative term and it is a dimensionless quality. हम बोल सकते हैं, है ना, कि एक sound कितनी जोर से बज रहा है हम उसको sense कर सकते हैं। अगर एक sound बहुत ही slow से बज रहा है हम तब भी उसको sense कर सकते हैं कि ये जो गाना है बहुत ही slow से चल रहा है, इसको इसका volume जो है उसको बढ़ा दो, ये जो गाना है बहुत ही लाउडेड है, मेरी कान में बहुत आवाज़ आ रहा है, प्लीज इसका वॉल्यूम कम कर दो, हम बोलते हैं ना। तो ये जो है एक सेंसेशन, एक साइकोलॉजिकल सेंसेशन है। ओके, इससे क्लियर हुआ ना, लाउडनेस हो गया। अब क्या है क्वालिटी, मेरा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मेरी नहीं, साउंड की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो क्वालिटी आपको पता ही है कि साउंड क्वालिटी क्या है, आप जानते हैं कि साउंड क्वालिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, टिम्बर यहाँ पर भी लिखा है कि साउंड क्वालिटी, ये साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। मतलब कि देखिए 320 KB का जो साउंड होता है, मतलब 1.5 MB का जो साउंड है और 5.5 MB का जो साउंड है, दोनों में डिफरेंस तो होंगे, है ना। तो यही है साउंड क्वालिटी, अगर साउंड क्वालिटी अच्छा है तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर साउंड क्वालिटी एकदम बुरा है तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो साउंड क्वालिटी बुरा मतलब वो कट कट से जाता है। ओके, एज डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, हाँ,
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, तो एक एक फ्लूट का जो साउंड क्वालिटी है और एक ह्यूमन वॉइस का जो साउंड क्वालिटी है, दोनों में तो बहुत ही डिफरेंस होंगे, है ना। द टिम्बर हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ओके, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो टिम्बर जो है, टिम्बर एक साउंड क्वालिटी को हम टिम्बर बोलते हैं, एक साउंड क्वालिटी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी अच्छा है या इस इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी अच्छा है। ओके, तो ये रहा मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउंड के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर इस मल्टीमीडिया सब्जेक्ट में आपको अच्छी मार्क्स लाना है, तो फिर उसके लिए मेरी आपको मेरी नोट्स की फॉलो करना पड़ेगा, नोट्स फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले। नोट्स की रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।